हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मुझसे पुष्कर भाई ने फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप की गेम के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप विलहेम स्टिनिट्स ने जीती थी, और उस चेस चैम्पियनशिप में उनका मुकाबला था उस समय के जाने माने चेस लेजेंड जोहेंस ज़िकरट्रॉट से। तो आइए फ्रेंड्स, लास्ट राउंड में हो इस मैच पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की ज़िकरट्रॉट ने d4 के साथ, उन्होंने क्वीन साइड ओपनिंग को चुना। तो d5, c4, e6, नाइट c3, नाइट f6, बिशप g5, नाइट को यहाँ पिन किया तो बिशप e5, नाइट f3, ब्लैक कैसल्स c5, तो b6, b4, बीटेक c5। और फ्रेंड्स, यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए? वो यहाँ कर सकता था बीटेक c5, आई थिंक ये बेटर भी होता, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ज़िकरट्रॉट ने किया था डीटेक c5। हालांकि एंड गेम के लिए ये वेरिएशन वाइट के लिए शायद ठीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये तीन कनेक्टेड पॉन्स के सामने ब्लैक के दो अनकनेक्टेड पॉन्स होंगे। लेकिन वाइट को यहाँ एक ड्रॉबैक भी होगा, क्योंकि ब्लैक के पास यहाँ ये सेंटर में पासर निकालने के चांसेस होंगे। ब्लैक ने यहाँ किया a5 तो a3। और फ्रेंड्स, आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और ब्लैक का अगला मूव जानने की यहाँ कोशिश करें। फ्रेंड्स, यहाँ विलियम ने किया था d4, और उन्होंने यहाँ अपने इस डी पॉन को ऑलमोस्ट सेक्रीफाइस ही करवा दिया। क्या यहाँ वाइट इस d4 पॉन को ले सकता है? फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक ने कैलकुलेशंस किस तरह से की होंगी? चेस टैक्टिक्स को समझने का जो मेरा तरीका है वो ये है कि मैं हमेशा ओपोनेंट के वो पीसेस ढूंढता हूँ जो अनडिफेंडेड रखे हुए हैं, या फिर वो पोटेंशियल पीसेस जो अनडिफेंडेड किए जा सकते हैं। यहाँ ब्लैक ने कुछ इस तरह की कैलकुलेशंस की होंगी कि अगर वाइट इस d4 पॉन को लेगा तो उसे ज़रूर यहाँ अपनी एक क्वीन हटानी होगी, और उसके बाद वाइट का ये रुख अनडिफेंडेड रह जाएगा। अगर यहाँ वाइट करे क्वीन टेक्स d4 तो उसके बाद क्वीन टेक्स d4 और ये रुख यहाँ अनडिफेंडेड है। नाइट टेक्स d4, ए टेक्स b4, नाइट पर अटैक होगा, और अब यहाँ फर्दर पॉन एक्सचेंज नहीं हो सकते, क्योंकि ब्लैक बड़े ही आराम से इस रुख को लेगा, वो भी एक चेक के साथ। सपोज़ अगर वाइट यहाँ करता है ए टेक्स b4 तो उसके बाद रुक टेक्स a1 चेक। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहाँ एक्सचेंज किसी दूसरी तरीके से किया जाए, सपोज़ वाइट यहाँ करे नाइट टेक्स d4, तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है? ब्लैक वही काम करेगा, ए टेक्स d4, नाइट पर अटैक होगा, और अगर यहाँ वाइट करे ए टेक्स b4 तो उसके बाद ब्लैक यहाँ पहले करेगा रुक टेक्स a1, क्वीन टेक्स a1, क्वीन टेक्स d4, और एक पॉन देकर यहाँ उन्हें वाइट का नाइट मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ ये डी पॉन पुश करना काफ़ी क्रिएटिव मूव है। तो ज़िकरट्रॉट ने काफ़ी कैलकुलेशंस करने के बाद यहाँ किया बिशप टेक्स f6, जी टेक्स f6, और विलियम ने वो काम किया जिसे करने से मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ, अपने कैसल पॉन स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। और अभी फ़िलहाल वाइट को ये नाइट बचाना है, तो वाइट ने अपने इस नाइट को a4 स्क्वायर पर प्लेस किया, और अगर यहाँ ब्लैक करे ए टेक्स b4 तो उसके बाद ए टेक्स b4, देन ब्लैक यहाँ कर सकता है e5, और फिर उसके बाद वाइट के लिए यहाँ बेटर मूव होगा क्वीन a1, ताकि वो यहाँ अपने इन दो कनेक्टेड पॉन्स को आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने पहले किया e5, देन b5, बिशप e6, g3, c6, और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक के सी पॉन को आगे बढ़ने के बाद वाइट के लिए बेटर था कि वो यहाँ करे b6, अपने पी पॉन को आगे पुश कर दे, लेकिन उन्होंने यहाँ इस पोजीशन से यहाँ पॉन एक्सचेंज कर लिए b टेक c6, नाइट टेक c6, और यहाँ अभी एक आइसोलेटेड पॉन वाइट के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है, बिशप g2, तो यहाँ ब्लैक का ऑब्वियस मूव रुक b8, ताकि वाइट यहाँ कोई सरप्राइज्ड टैक्टिक्स ना लगा सके। और यहाँ इस पोजीशन से फ्रेंड्स, वाइट के लिए बेटर था कि वो अपने रुक को b1 स्क्वायर पर प्लेस करे और रुक एक्सचेंज करने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ वाइट ने किया था क्वीन c1। उन्होंने यहाँ पहले अपने c5 पॉन पर डिफेंस करना ज़्यादा ठीक समझा, और ऐसा करने के बाद ब्लैक के पास एक मौका आया, उन्होंने यहाँ किया d3 और अपने डी पॉन को आगे पुश कर दिया। और अगर यहाँ वाइट ये पॉन एक्सचेंज करे, सपोज यहाँ करता है e टेक्स d3, तो उसके बाद क्वीन टेक्स d3, और फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम वाइट से इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो यहाँ वाइट ने डिसाइड किया कि वो पोन एक्सचेंज नहीं करेगा, उन्होंने यहाँ किया e3, और e3 मूव करने के बाद वाइट की प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ गई। ब्लैक ने यहाँ किया e4, नाइट पर अटैक बनाया तो नाइट d2, देन f5, और इसके बाद यहाँ आफ्टर 19 मूव्स वाइट को कैसल करने का चांस मिला।
उन्होंने यहाँ कैसल किया रुक e8। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर जब ब्लैक के पॉन्स काफ़ी अग्रेसिव स्क्वायर्स पर पहुँच चुके हैं तो आई थिंक वाइट को यहाँ करना चाहिए था g4 और इस पॉन चेन की बेस पर अटैक बनाना चाहिए था। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो f takes g4 देन knight takes e4 और ये प्रॉब्लम अब वाइट के लिए सॉल्व हो सकने वाली होती। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया था f3 और फ्रेंड्स वाइट का ये मूव बहुत ज़्यादा वीक है। और फ्रेंड्स अब मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को फिर दोबारा से पॉज करें और क्या आपको यहाँ कोई ब्लैक के लिए डेडली मूव नज़र आ रहा है उसे यहाँ ढूंढने की कोशिश करें। फ्रेंड्स बोर्ड की इस पोजीशन को आप देखिए, ब्लैक की सबसे बड़ी वीकनेस इस पूरे बोर्ड में ये e2 स्क्वायर है और अगर ये नाइट किसी तरह से इस e2 स्क्वायर पर आ जाए तो वाइट की लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन इस नाइट को पहले इस d4 स्क्वायर पर आना होगा। तो क्या यहाँ ब्लैक इस नाइट को सेक्रीफाइस करने का रिस्क ले सकता है? या विलहम ने किया था Nd4 और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। और सपोज़ अगर मेरे जैसा खिलाड़ी वाइट की तरफ से खेल रहा होता तो मैं यही देखता कि ब्लैक ने डेलिब्रेटली इस नाइट को सेक्रीफाइस किया है। तो ज़रूर इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक तो होने वाला है। तो बेस्ट मूव मैं यहाँ क्या चल सकता हूँ? वाइट के लिए इस पोजीशन में बेस्ट मूव हो सकता था Nc3 ताकि वो यहाँ अपने इस e2 स्क्वायर का डिफेंस कर सके। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो ब्लैक के पास चांस होगा Bc5 करने का। वो यहाँ एक पॉन जीत सकते हैं e takes d4, Bc takes d4, चेक King h1। और फ्रेंड्स इस पोजीशन में वाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सबसे पहले ब्लैक ने ये नाइट पिन कर रखा है और अगर वाइट ने डिसाइड किया कि वो पहले अपने इस रुक को मूव करेगा तो ब्लैक यहाँ इस नाइट को फिर दोबारा पिन कर देगा। तो फ्रेंड्स ये मूव काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला है। अगर वाइट यहाँ डिसाइड करे कि वो इस e4 स्क्वायर को सिक्योर करेगा तो भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो इस नाइट को लेता है तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है, जैसा कि इस गेम में भी हुआ था। ज़ुगरट्रॉट ने यहाँ किया था e takes d4, Qd4 चेक और इस चेक के साथ ही वाइट को अपना नाइट गंवाना होगा King h1। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ मुझे सरप्राइज करते हुए ब्लैक ने इस नाइट को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ किया e3, वाइट के दूसरे नाइट पर अटैक बनाया। तो अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए? अगर यहाँ वाइट अपने इस नाइट को बचाता है तो ब्लैक का अटैक डायरेक्टली इस रुक पर है, तो वाइट यहाँ इस नाइट को तो मूव नहीं कर सकता। सपोज़ वो यहाँ करे Rd1 तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है? तो ब्लैक यहाँ पहले करेगा e takes d2, देन उसके बाद वाइट को करना होगा Qd2, Qd4 और ब्लैक यहाँ क्लियर कट एक पीस अप होगा। तो वाइट को यहाँ इस सिचुएशन से निकलने में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। उन्होंने यहाँ किया Nc3, पहले अपने नाइट को ही बचा लिया, ठीक है, ऐसा करने से वाइट का एटलीस्ट मेटीरियल एक्सचेंज तो इक्वल रहेगा। लेकिन अब यहाँ मूव बाय मूव ब्लैक की गेम पर ग्रिप काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है। ब्लैक ने यहाँ किया Bf6, उन्होंने यहाँ पहले इस c3 नाइट पर प्रेशर बनाया, तो इसका डिफेंस Nb1 और फाइनली वाइट ने अपने दोनों नाइट्स बचा लिए जो मुझे लग रहा था कि आराम से नहीं बचने वाले हैं। लेकिन विलियम की इस गेम में ग्रिप काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी, वो इतने आराम से इस पोजीशन को अपने हाथ से नहीं जाने देते। उन्होंने यहाँ किया d2, क्वीन पर अटैक बनाया और इस क्वीन को जाने के लिए सिर्फ लाइट स्क्वायर्स ही बचे हैं, तो Qe2 देन Bc3, क्वीन पर अटैक बनाया तो Qe5 और इस डी पॉन के प्रमोटिंग स्क्वायर तक अपने बिशप को लगा दिया। ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन प्रमोट की d1 equals queen, Nd1 और फ्रेंड्स ब्लैक अब यहाँ और क्या कर सकता है? सबसे पहले तो उसे यहाँ ये रुक मिल रहा है, वो यहाँ नाइट एक्सचेंज करके बड़े ही आराम से इस रुक को ले सकता है। लेकिन ब्लैक के पास अभी कुछ और ऑप्शंस भी हैं। ब्लैक यहाँ कर सकता है e2 और इस गेम में अब मुझे नहीं लगता ब्लैक को कुछ और करने की ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो वाइट यहाँ क्या करेगा? वाइट करेगा Nb goes to c3, वो अपने इस रुक के रास्ते को भी ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अब यहाँ ब्लैक करेगा e takes f1 equals queen check, Bc takes f1 देन Re1। फ्रेंड्स यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक एक काम और कर सकता है, उसे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है मेटीरियल एक्सचेंज करने की, वो यहाँ डायरेक्टली अपनी क्वीन भी प्रमोट कर सकता है e1 equals queen। और अब अगर यहाँ वाइट करे Rd1 तो उसके बाद Rd1 check, Bf1, जो सिचुएशन अभी हमने थोड़ी देर पहले अचीव की थी, Rd1 check, King g2, Qg1 check, तो King h3 एंड फाइनली Bc3
e6 और वाइट को यहाँ अपनी क्वीन गंवानी होगी। फ्रेंड्स, विलियम ने यह गेम इस तरह से लगा रखी है कि आप अनलिमिटेड वेरिएशंस यहाँ कर सकते हैं। यहाँ ब्लैक ने किया बिशप टेक्स d1 और अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए, अगर वो यहाँ अपने इस रुक को बचाएं रुक a2 तो उसके बाद e2, रुक पर अटैक होगा तो रुक e1 एंड रुक टेक्स b1। फ्रेंड्स, कैलकुलेशंस आप किसी भी तरीके से करें, ब्लैक यहाँ क्लियरली एडवांटेज में ही रहने वाला है। तो यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया था नाइट c3, उन्होंने यहाँ अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया, या मैं कहूँ कि नाइट को ब्लैक ने ज़बरदस्ती ले लिया, लेकिन अभी यहाँ ब्लैक को कोई ज़रूरत नहीं है इस नाइट को लेने की। अगर यहाँ ब्लैक करे क्वीन टेक्स c3 तो उसके बाद रुक टेक्स d1 और यहाँ ये मेटीरियल एक्सचेंज इक्वल रहेगा, लेकिन e2 मूव होने के बाद वाइट की वही प्रॉब्लम फिर दोबारा आ जाएगी। तो यहाँ ब्लैक ने पहले किया e2। हालांकि फ्रेंड्स, ये पोजीशन वाइट के हाथों से बिल्कुल निकल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सोचता हूँ कि वाइट को यहाँ करना चाहिए था नाइट टेक्स e2 और इस नाइट को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए था बिशप टेक्स e2, और इस पूरे मटेरियल एक्सचेंज में ब्लैक एक पीस एक्स्ट्रा होता। लेकिन यहाँ ज़िगोट्रॉट ने किया रुक टेक्स d1 और यहाँ विलियम का फाइनल मूव, उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स e3 और यहाँ इस मूव के बाद ज़िगोट्रॉट ने रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कहने की ज़रूरत होगी कि वाइट इस गेम को ऑलरेडी हार चुका है, वो अगले मूव में अपना यहाँ एक रुख तो गवाएगा ही गवाएगा। फ्रेंड्स, मैंने विलियम स्टेनिट्ज़ की कुछ गेम्स देखी हैं और वे गेम्स इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं कि आप उनके वेरिएशंस में इतने सब वेरिएशंस निकालते हैं जो सारे ही लगभग उनके फेवर में जाते हैं। मैं तो यही सोचकर हैरान होता हूँ कि लगभग 135 साल पहले, जब कंप्यूटर्स नाम की चीज़ भी नहीं थी, ओपनिंग थियरीज भी इतने शार्प तरीके से डिफाइन नहीं हुई थी। खैर, ओपनिंग थियरीज तो फ्रेंड्स इन्हीं लोगों ने तो डिफाइन की थी, वे लोग किस तरह से इन कैलकुलेशंस को करते थे। खैर, जो भी तरीका होगा, इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग यहाँ चेस गेम्स को आज एंजॉय कर पा रहे हैं। सो होपफुली फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।